खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां जन सुनवाई में खासा शिकायतकर्ताओं का हुजूम एकत्र होता है। इसके पीछे का कारण या तो यह है कि जन सुनवाई में पहुंचने के बाद लोगों को न्याय मिलता है, या संबंधित विभागों के द्वारा न्याय ना मिलने के चलते लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचने के लिए मजबूर होते हैं। जन सुनवाई में ज्यादातर राजस्व और पुलिस के मामले शामिल होते हैं। लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर रास्ता अवरुद्ध करने, योजनाओं का लाभ ना मिलने और जमीनी विवाद के मामले लेकर पहुंचते हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में खासा भीड़ पहुंची और न्याय की फरियाद लगाई है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से जन सुनवाई में लोगों का हुजूम उमड़ता है और उनका क्या कहना है। हमको गुस्सा भी है कि हमारा खेत रामलखन प्रभाकर जबरदस्ती खेत काटने लगे। बोले मैं सुहागी के थाने में आन, हमको थाने से चौकी भेजी, चौकी वाले कहा कि तुम्हारी खेती न काटे भाई, न जोई हम करूँ। आज तक परिखन साहेब हमारी खेती सब कटी गई, अब जो हम जोतने बोवेगे कि ओकर हर जल जाए साहेब, तो हर जल जी हमारा कब्जा सब खत्म साहेब। हमको मारने का जान से कि इसकी बुढ़ी के जो खत्म हो जाए, खत्म कर देंगे तो लड़कियाँ काहे हो रही है भागे दे हमारा लूट ले साहेब। साहेब उनकर सब लिखित सब फैसला सब यहाँ ले आके दिए, तहसीलदार तहसीलदार के सबके थाने के उल्लुका इसी वक्त के वो गाड़ी चलावा तक प्रभाक हमको अब काली मेटम तेवसर के मेटम चौकी वाली डांट दी नहीं का तुम्हारा कुछ नहीं, उसको पैसा दे। हम पैसा साहेब अपने जजाद के पैसा दे साहेब, ये मेरे का पिया चार मन नाम नहीं जानी था। रीवा कितनी बार आ चुके हैं तेवसर पे साहेब? रीवा कितनी बार आई है? हम 10:30 बजे आई गए नहीं साहेब। और कितनी बार आई है, कितनी बार आ चुकी? अब पहले जब आवत जान भूल गया तो वह महीने हो गए आवा पहला चक्कर साहेब आन है बसे उतर चौकी में दौड़ा तो नहीं हो रही कोई हमार दुआसा नाम है साहेब अल्लाह करके बड़े लड़का के जगदीश पर सा राम लखन प्रभात शुक्ला कौन है आपके शुक्ला 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 माई केवा छन साहेब केवा हम केवा गरीबन के निकारी है मलपार साहेब जबरदस्त। ये कहना था कि हमारे हमारा स्वयं का खेत है छत्तों का, उसमें फसल लगी हुई थी, फसल किसी ने काट ली है, उसके संबंध में अभी तत्काल तहसीलदार तेवसर को मैंने बोला है कि वो अभी आज वो पहुंच जाएगी, कल सुबह मॉर्निंग में पहले 10:30 बजे ही जाकर के उसकी ज़मीन का उसके प्लॉट का निरीक्षण करेंगे और जो भी विधिसंगत कार्रवाई है वो वहाँ भी करेंगे। सुने नहीं सभी प्रॉपरली उनको सुना गया है, मैंने फोन पे भी तहसीलदार को निर्देश भी दिया है।